रघु बोल रहा है। हाँ रघु बोलो, पैसे मिल गए? मिल गया मैडम, मिल गया। गिन लिए? अभी मैं बोलूंगा सत तो तुम समझोगे झूठ। चीटिंग का पैसा कभी गिनने का नहीं होता, अरे बराबर ही होगा। देखो रघु, ये 1 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें जानती हूँ, ये तुम आज से अपने दिमाग से निकाल लो। मैं देवयानी की बेटी हूँ, ये भी भूल जाओ। तुम किसी देवयानी नाम की औरत को जानते हो, ये भी भूल जाओ। कैसे बात करता है मैडम, मैं बोलूंगा सच तो तुम समझोगी झूठ है। ये 1 लाख रुपया तो तुमने इतनी आसानी से दे दिया है, आगे चल के भी आसानी से? ये पैसे मुझे आसानी से नहीं मिले हैं। आज मैंने तुम्हारी खातिर वो किया जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया, मेरी हेल्प की, मैंने उन्हीं के घर में चोरी की। अरे तू कैसी बेटी है रे, तेरे लिए माँ की इज्जत बड़ी है या अपना जमीन? और जमीन तो आजकल चोरियों के दाम में बिकता है, और चोरियों का मोल मैं बोलूंगा सबको तुम समझोगी पूरा। इंस्पेक्टर भाभी, मेरे जो 1 लाख रुपए चोरी हुए हैं, मैं इनसे राय लेने गया था। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कंप्लेंट लिखा देनी चाहिए क्योंकि 1 लाख रुपए की बात है। अरे क्या हो रहा है, तुम सचमुच पुलिस को लेकर आ गए? ये पुलिस वाला बाद में है, पहले मेरा दोस्त है। लेकिन है तो पुलिस वाला ही, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या जवाब देंगे? लोग सवाल पूछेंगे तरह तरह के। कह दीजिएगा कि चोरी हो गई थी इसलिए पुलिस आई थी। जो बात अपने घर में हुई है उसे पूरे मोहल्ले में फैलाएं, अपने घर को बदनाम करें? बदनामी वाली बात तो है ही, अब बचा क्या है? देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं पूछताछ करूंगा, छानबीन करूंगा। अगर मामला घर के घर में ही रह गया तो ठीक है, लेकिन बात किसी बाहर वाले की भी हो सकती है, इसीलिए मेरा पूछताछ करना बहुत जरूरी है। अगर चोर कोई बाहर वाला हुआ तो उसे गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। आज अगर उसने 1 लाख रुपए की चोरी की है तो कल इससे बड़ी भी चोरी कर सकता है। ये बात तो ठीक है, पर ये मेरे भैया हैं और ये मेरी भाभी। हाँ, ये मेरी पत्नी पायल। पायल, आरती कहाँ है? उसको बुलाने की क्या जरूरत है, उसका क्या काम है? क्यों, वो ये घर में नहीं रहती? देखो सुमित, आप लोगों को जो भी पूछना है हम लोगों से पूछ लो। वो किसी और की बेटी है और मैं नहीं चाहती कि हम लोग उस पर कोई इल्ज़ाम लगाएं। देखिए बच्ची किसी की भी हो, लेकिन पूछताछ करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं घर में हर एक से पूछताछ करूंगा। क्या दादी माँ और बाबूजी से भी पूछताछ करोगे? भैया भाभी से भी पूछताछ करोगे? देखिए जब कार्रवाई हो ही रही है तो पूछताछ करने में क्या हर्ज है? सुमित दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए क्या? अब घर वालों पे इल्जाम लगाओगे क्या? भैया मैं आपके इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे आरती पर शक है। आरती, आरती आप आरती से पूछताछ कर सकते हैं, उसके बाद आपको किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित आरती से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। पर तुम चुप रहो, आप पूछताछ कीजिए। कौन हो तुम? मेरा नाम आरती है, देवयानी आंटी की सहेली की बेटी हूँ। कहाँ रहती हो तुम? फिलहाल तो हमारे सर पे ही है। ये क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? एक मिनट, मुझे इससे पूछ लेने दीजिए। हाँ तो आरती, तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हो? जी नहीं, घर का इंतजाम हो जाएगा तो मैं चले जाऊंगी। माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? दोनों एक हादसे में मारे गए। तुम्हारे पिताजी का नाम? महेंद्र सक्सेना। और माँ का नाम? चुप क्यों, बोलो। जी वो क्या हुआ आरती, चुप क्यों हो? माँ का नाम क्यों नहीं बता रही है? देवयानी। देवयानी? इत्तेफाक से मेरी माँ का नाम भी देवयानी ही था। ओ, अच्छा अच्छा, मेरे साथ आओ। कहाँ? अंदर कमरे में, मैं तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। देखिए आपको जो भी पूछना है आप यहीं पूछ लीजिए। तुम कानूनी कार्रवाई में दखल मत दो, आप ले जाइए इसे। चलिए चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपको पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो 1 लाख रुपए किसने लिए। तुम जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ,
वो लाख रुपए मैंने लिए। हाँ, मुझे बिजनेस के काम के लिए चाहिए थे, इसलिए तुम्हारे बैग में से निकाल लिए। सोचा था कि तुम्हें पता चलने से पहले ही लौटा दूंगी, लेकिन पैसे आते आते देर हो गई। तो तुमने मुझे बताया क्यों? हम लोगों का वैसे ही झगड़ा चल रहा है, सोचा अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम और नाराज हो जाओगे। कमाल की औरत हो तुम, इतना बड़ा बखेड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। पैसे दोस्त को दो दिन लेट देते हैं हम लोग। आए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। पति को बिना बताए रुपए निकालना बहुत ही बुरी बात है। ये तो गलत बात है, तो सुमित को तो वो होता ही नहीं। भैया, जो होना था वो हो गया, अब क्या सजा देनी है मुझे? गिरफ्तार करवाना है तो करवाओ। तो सब माफ कीजिएगा, ये हमारे घर का मामला है, हम लोग खुद ही निपट लेंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं यार, यारी दोस्ती में ये होता रहता है। सुमित, मैं तुम्हारे पैसे तुमको ला कर देती हूँ, गिन लेना। चलो आते हैं। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। क्यों, क्या हुआ? वो जो लाख रुपए चोरी हो गए, उसका इल्जाम आपने अपने सर पर ले लिया। इसमें इल्जाम की क्या बात है? रुपये मैंने ही लिए थे। नहीं, रुपए आपने नहीं लिए थे। रुपए मैंने लिए या नहीं लिए, ये मेरा मामला है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्योंकि सच्चाई क्या है ये मैं जानती हूँ। आप जानबूझकर इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर ले रही हैं। जानबूझकर नहीं लिया, मैंने तुमसे कहा ना रुपए मैंने ही लिए थे। आप झूठ बोल रही हैं, आपने मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर लिया है ना? कहिए, खाइए मेरी सर की कसम और कहिए कि मैं गलत कह रही हूँ। देखो आरती, बात अब खत्म हो चुकी है, तुम भी भूल जाओ। हर एक बात याद रखो, इसका जिक्र किसी से भी मत करना। और अगर उस ब्लैकमेलर ने दोबारा फोन किया तो मुझे बताना। आपने मेरी खातिर इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, और मैं आपकी कौन हूँ? कोई भी नहीं। मेरी नजर से देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी क्या लगती हो। मैं आपको क्या बुलाऊं, दीदी, आंटी या फिर? आरती, रिश्ते पुकारने से नहीं होते, बांधने से बनते हैं। तुम मुझे जो चाहे पुकार लेना। एक और बात की परमिशन मिलेगी क्या? आपके पैर छूने का दिल कर रहा है। पागल हो गई हो? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, पैरों में नहीं। आरती, मैं ये क्या सुन रही हूँ? घर में 1,00,000 रुपए की चोरी हो गई और इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है? नहीं मम्मी, चाचू ने सब पर शक जाहिर किया था। झूठ, भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुमित ने पुलिस भी बुलाई थी, उनको भी तुम्हारा नाम दिया गया था। छोड़िए ना मम्मी, जाने दीजिए। अरे जाने कैसे दूं इतनी बड़ी बात? सुमित की हिम्मत कैसे हुई? वो क्या समझता है कि तू लावारिस है? तेरी माँ जिंदा है अब तक। मम्मी, आप संभालिए अपने आप को, क्या कह रही हैं आप? कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं आरती, सुमित को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर वो आपसे पूछेंगे कि आरती के लिए क्यों झगड़ रही हो, क्या रिश्ता है, तो क्या कहेंगे आप? कह दूंगी इंसानियत का रिश्ता है। मम्मी प्लीज, अब जाने दीजिए ना। अरे जाने कैसे तू? आज वो तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, कल पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाएगा। मम्मी जब बात खत्म हो गई, आप उसे क्यों बढ़ा रही हैं? बात खत्म नहीं हुई है। अगर पायल पुलिस को सच्चाई नहीं बताती ना, तो पता है क्या होता? पुलिस तुम्हें जेल ले जाती। खुद की पत्नी में खोट है और इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है। मम्मी, अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सच्चाई ये नहीं, सच्चाई कुछ और है। क्या मतलब? पैसे पायल आंटी ने नहीं, मैंने ही लिए थे। तुमने? पायल आंटी ये बात जान गई थी और उन्होंने मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लिया। क्या तू सच कह रही है? हाँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम। आरती, तुमने 1,00,000 रुपए की चोरी की, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी हरकत करने की? तो मैं क्या करती मम्मी? सिन्हा अंकल का कंपाउंडर ये जानता है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आज उसने फोन करके ये कहा कि अगर मैं उसे 1,00,000 नहीं दूंगी तो वो घर में सबसे बता देगा कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं डर गई और मैंने चाचू के पैसे में से 1,00,000 रुपए ले लिए और उसे दे दिए। हे भगवान, ये नई मुसीबत कहाँ से आ खड़ी हो गई? फिक्र मत कीजिए मम्मी, मामला खत्म हो गया, अब वो फिर कब फोन नहीं करेगा। आरती, अगर पायल ने इल्जाम अपने सिर पर नहीं लिया होता तो जानती है क्या अंजाम होता?
पुलिस मुझे जेल ले जाती। ये बात तो सच है, पायल आंटी ने मुझे बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हे भगवान, पायल ने इतना बड़ा काम किया और मैं उसे ही चोर समझ रही थी। सचमुच आज मुझे एहसास हो गया है कि पायल मुझे कितना चाहती है। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सचमुच पायल, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, कैसे तुम्हारे एहसान वापस करूं, किस तरह से तुम्हारी नजरों में नजरें मिलाकर देखूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं भाभी? मुझे सब मालूम है, आरती ने मुझे बता दिया है। छोड़िए ना भाभी, मामूली सी बात थी। नहीं पायल, तुम्हारे लिए मामूली होगी, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी गलती की आरती ने, लेकिन उसकी वो गलती को तुमने जिस तरह से संभाला है ना पायल, मुझे ये एहसास पहली बार हो गया है कि आरती इस घर का हिस्सा बन चुकी है। कहते हैं ना कि हर बुरे हादसे के पीछे कुछ अच्छाई छुपी रहती है। जब से ये एहसास हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, अपनी खुशी का इजहार जरा आहिस्ता कीजिए। आपने वो शेर नहीं सुना? अपनी बेजजक हंसी से ना हो किसी का दिल मैला, ये शहर है आईनों का, जरा सांस ले संभल संभल कर। भाभी, अगर हमारी बात किसी ने सुन ली तो आफत आ जाए। नहीं पायल, आज मैं अपने खुशी का इजहार दिल खोल कर करना चाह रही हूँ। मालूम है मैं इतने दिनों तक तुमसे कितना डर रही थी। इस घर में तुम अकेली थी जो मेरी सच्चाई जानती थी। डर लगता था कि कहीं तुम किसी को कुछ कह दो तो मेरा क्या होता, आरती का क्या होता। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं दीदी? जो कुछ भी हो रहा है उसमें उस बेचारी आरती का कोई कसूर नहीं है, और फिर वो आपका अपना खून है। आपका अपना मतलब मेरा अपना, और मैं अपनों की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सचमुच पायल, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारी। ये आप क्या कर रही हैं? बड़ों को छोटों के आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आए। आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ाया। आई एम रियली वेरी ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। आप तो शर्मिंदा कर रही मुझे, मैं दरअसल अपनी जरूरत के लिए आया हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से ही आप लोगों के साथ थी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे नाता तोड़ दिया था। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि हम लोग मिल के बिजनेस करें। अगर हम लोग मिल जाएं, तो हम सारी दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। खैर, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शायद आपके घर वाले तैयार नहीं हैं। हाँ, घर वाले अब चक्रों में रहे तो शायद हमारी हालत बदतर से बदतर ही होगी, सुधरेगी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल मैं ही कोई बिजनेस शुरू करूँ, और उसके लिए मुझे थोड़े फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी कोई बोलने की बात है? वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी राजेश साहब कि एक दिन आप ज़रूर आएंगे। मेरे दरवाजे आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा है कि मेरे दोनों भाई तो राज़ी होंगे नहीं इस बिजनेस के लिए, और खासकर घर वाले तो बिल्कुल ही खिलाफ रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ मैं खुद बिजनेस शुरू करूँ, और उस के लिए कुछ तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। कितना फाइनेंस चाहिए आपको? कम से कम 20 लाख रुपए अगर आप इंतजाम कर दें तो। 20 लाख रुपए? ठीक है, मुझे सोचने का मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल, 20 लाख रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। वैसे यू कैन ट्रस्ट मी, मैं आपका 1-1 रुपया लौटाऊंगा मैं सूद के। बात पैसे लौटाने की नहीं है, बात जरूरत की है। आपको जरूरत थी तो आप मेरे पास आ गए, मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मदद मांगने चली आऊंगी। हाँ जरूर, एनी डे आपको कभी कोई मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइए मुझे। जरूर बताऊंगी, पहले मैं अपने दिमाग को इस बात के लिए राजी तो कर लूं कि आपको पैसे दूं या नहीं दूं, या किस शर्त पर दूं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं इंतजार करूंगा। वैसे कब तक जवाब मिल जाएगा मुझे? मुझे सोच लेने दीजिए,
मैं खुद आपको फोन करके बता दूंगी। वैसे मैं उम्मीद रखूं? 99% तो आप इस बात को हाँ ही समझिए, बाकी जो 1% फैसला करना है वो आपको करना है। मैं समझा नहीं। मैं शाम को आपके घर आऊंगी, सब कुछ समझा दूंगी। ठीक, मैं चलूंगा। एक खुशखबरी। हाँ बताइए ना। गुस्सा ना करें खूब। बताइए ना। इतनी कोशिशें करने के बाद, सब जगह हाथ पांव मारने के बाद जब कुछ बना नहीं तो मैं हार के वो पूर्णिमा के पास चला गया था। आप पूर्णिमा के पास चले गए? जबकि पूर्णिमा की वजह से सारे घर में मुसीबत चल रही है। सुमित पायल में झगड़ा हो गया है, इसके बावजूद आप पूर्णिमा से मिलने चले गए? क्या करूं, बिजनेस में सब जायज है, बिजनेस में ये सब बातें नहीं देखी जाती हैं। मैं सुमित से पूछूंगा, अगर उसे मेरे साथ बिजनेस करना है तो करे, नहीं करना ना करे। अरुण नहीं करना चाहता ना करे। मैंने तो पूर्णिमा से 20 लाख रुपए के लिए रिक्वेस्ट की है और वो रुपए देने को तैयार है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुपये के लिए क्या आप अपने भाई के खिलाफ हो जाएंगे? नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हो रहा हूँ। मैं सुमित से पूछूंगा, अगर वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं अकेला करूंगा। नहीं नहीं, ये बात गलत है। मैं दो भाइयों को जुदा होते हुए नहीं देख सकती। अभी खून से खून अलग हुआ है। जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं दोनों को अपने साथ में ला लूंगा और धीरे धीरे पूर्णिमा के पैसे भी लौटा दूंगा। जब आपने पूर्णिमा से फाइनेंस की बात कर ही ली है और आप बिजनेस की जिद पर ही हैं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो आपके दिल में आए कीजिए। नहीं सुभद्रा, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और पति की जिंदगी पत्नी पे डिपेंड करती है। वो आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता जो पत्नी की राय नहीं लेता। आप बात तो पहले कराएं, फिर मुझसे राय लेने का क्या मतलब है? अब बहुत परेशान था मैं, तो मैं उसके ऑफिस चला गया और उससे मैंने रुपयों की बात की, वो राजी होगी देने के लिए। अब वो फोन करके बताने वाली है कि कब पैसे लेकर आएगी हमारे घर। अब ये बताओ तुम खुश हो कि नहीं? ठीक है, जिस काम में आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। नहीं, सच सच बताओ, दिल से खुश? हाँ बाबा, मैं खुश हूँ। पति इतनी प्यार से पत्नी की इजाजत ले ले और पत्नी इनकार कर दे तो पत्नी किस काम की?